ख्वाबों का सिलसिला बहुत अजीबोगरीब होता है। हम चाहे अमीर हों या गरीब, हमारे ख्वाब हमेशा अमीर ही होते हैं। एंड इफ़ यू आर अ ड्रीमर, तो फिर आपने दुनिया देखने का ख्वाब तो ज़रूर देखा होगा। बहुत सोचा लेकिन याद नहीं आया कि ये ख्वाब कब देखा था। शायद करीबन 20 साल पहले, जब बाबा आईफल टावर का सुवेनियर लेके आए थे, तब देखा था, या फिर अपनी आर्ट की क्लास में देखा था। अभी तक यही लगता है कि कोई ख्वाब ही था, और उस ख्वाब से वापसी हुई ही नहीं। वो क्या चीज़ है जो रोम को रोम बनाती है? तारीख, मज़हब, या फिर उससे जुड़ी हुई सियाहत जो हर साल लाखों लोगों को यहाँ लाती रही है। लेकिन अब ये तस्वीर यकीनन बहुत मुख्तलिफ है। किसी ने कहा था कि रोम में 2 दिन गुजार लो एंड यू विल फॉल इन लव। मेरे पास तो 4 दिन थे। साल का आखिरी दिन था, 31st December 2019। दरिया के किनारे चलते चलते सेंट एंजेलो ब्रिज आ गया, और दरिया के उस पार यू विल बी एबल टू गेज अप द मैग्निफिसेंट कैसल सेंट एंजेलो। There's magic in the air of the city. It lives and breathes like the people who walk its streets. To dance in fountains, jump on a motorbike. If it's the true romance you want, it has to be Rome. This is one of the several beautiful bridges over the Tiber. I flowed along the ancient cobblestones, past museums, galleries, and some small eateries. अब उसके बाद सेंट पीटर्स बेसिलिका आ गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा कैथलिक चर्च है। इनका मानना है कि आप जिस पर ईमान लाते हैं उसे ज़ाहरी शक्ल में भी देख सकें, इसलिए इन्होंने आर्ट और हकीकत के डिवाइड को ब्लर कर दिया है। फिर चाहे वो आर्किटेक्चर हो, पेंटिंग्स हो, स्कल्पचर हो या फिर म्यूजिक, सब ही ओवरली ड्रामेटाइज्ड और एग्जैजरेटेड हैं। इट वॉज ओवरली क्राउडेड एंड वी हैड टू वेट फॉर आवर्स बिफोर वी कुड गेट इन द बेसिलिका, इसलिए फिर यहीं बैठकर इंतजार किया। Welcome to world's largest collection of art. Vatican City has 54 museums and 20,000 pieces on display. Duniya ka sabse chhota mulk hone ke bawajood, iski apni army bhi hai aur football team bhi. Here you'll find some of the oldest religious structures and most storied artistic and architectural sites in Europe. Fun fact, you cannot get divorced in Vatican. These museums are full of Roman and Greek statues. Even the floors are decorated with beautiful mosaics. The galleries depict scenes from the Bible, and while Sistine Chapel was an experience of a lifetime, you're not allowed to film or take pictures because of the two reasons. One being it's a holy place, and second that its copyrights are owned by Japanese. I know, weird. Also, it is the home to the biggest library in the world. Rome is a sensory experience and it awaits you with all its charm. The glow of street lamps, narrow alleyways, Rome is unrivaled when it comes to evening walks. 4 din kaise guzar gaye pata hi nahi chala. Dil ko samjhana mushkil ho gaya ki ab wapsi ka rukh karna hai. खुली आंखों से नए ख्वाब देखने हैं, नए रास्तों पे चलना है। फॉर अनडिनायबली इटालियन एक्सपीरियंस, आई एम ग्लैड दैट रोम हैपेंड टू मी।
लोग कहते हैं कि ख्वाब टूट जाते हैं, लेकिन मेरे बहुत से ख्वाब पूरे भी हुए हैं। हम इंसान ही हैं जो हकीकत को जान कर भी ख्वाब देख लेते हैं। शायद इसी तरह आगे बढ़ने की हिम्मत आती है। बात सिर्फ इतनी है कि हर ख्वाब पूरे होने का एक वक्त तयन है। फिर क्या हुआ जो ज़िंदगी थोड़ी रुक सी गई? अभी तो बादलों में उड़ना है, रोशनियों का सफ़र करना है, और फिर तो हम सब जानते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं।